दवे हमें पूरी जानकारी दे रही है। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत नतीजों के साथ करते हैं। फेडरल बैंक के तिमाही नतीजे हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, अनुमान भी अच्छे नंबर्स का था। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं कंपनी के मुनाफे में अगर देखें तो वहां पर भी 40% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में भी इंप्रूवमेंट है और नंबर्स के बाद फेडरल बैंक के स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन भी हमने देखा। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे, नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स हमने देखा 324 करोड़ से आंकड़ा 775 करोड़ पर जाता हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी करीब 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी पर भी नजर रखें क्योंकि कंपनी ने अक्रॉस मॉडल्स अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है उसमें बढ़ोतरी की है। एवरेज इंक्रीज 1.1% का अनाउंस किया गया है, जिसके चलते मारुति सुजुकी का स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा L&T कंस्ट्रक्शन ऑर्डर विंस के चलते फोकस में है क्योंकि कंपनी ने 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में कई ऑर्डर्स जीते हैं ऑफिस कमर्शियल स्पेस हैदराबाद में डेवलप करने के लिए। तो इसके चलते L&T कंस्ट्रक्शन जो है एक बड़ा ऑर्डर विन है, जिसके चलते फोकस रहेगा। L&T पर नज़र रखनी चाहिए। भारतीय एयरटेल पर भी नज़र रखें क्योंकि कंपनी ने 5G सर्विसेज 5 शहरों में उत्तर प्रदेश के लॉन्च की है। इस लिस्ट में आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहर हैं जहाँ पर कंपनी ने अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं। इसके अलावा एथर इंडस्ट्रीज़ पर भी एक खबर है, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कमिशनिंग की शुरुआत की है, पर्टिकुलरली स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडियरीज़ के लिए केपेक्स प्लांट जिसका अराउंड 190 करोड़ का है। और आपको बता दें कमर्शियल प्रोडक्शन इस प्लांट की जो है वो आने वाले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। तो इस खबर के चलते एथर इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखें। और आखिर में रेट गेन पर नज़र रखें क्योंकि कंपनी को स्काई एक्सप्रेस ने सिलेक्ट किया है यूरोप में एक्सपेंशन प्लान के लिए, जो कि रियल टाइम प्राइस इंटेलिजेंस पर होगा। तो विदेशी बाजार में एक्सपेंशन को लेकर रेट गेन का स्टॉक जो है वो फोकस में रहेगा। तो ये सारी की सारी खबरें जो कि आज बाजार में इंपैक्ट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, ये पूरी स्टॉक्स की लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे नतीजों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और अन्य खबरें भी हमें आती हुई दिखी हैं। पर गौरव, मानसी की लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक था रेट गेन, यहाँ पे यूरोप में विस्तार के लिए स्काई एक्सप्रेस से उन्होंने करार किया है जो कि रियल टाइम प्राइस इंटेलिजेंस की सर्विसेज देगी। देखिए, इस खबर के बाद जो है स्टॉक लगातार जो है ऊपर का एक ट्रेंड दिखा रहा है और लगभग दिन के ऊपरी स्तरों पे भी है, 4% के आसपास की यहाँ पे मजबूती देख रहे हैं। क्या कुछ चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग बन रहा है, वॉल्यूम पिकअप यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं, आप कैसे इसे रीड करेंगे? देखो, इसको खेलने का दो तरीके हैं। अगर आप इसके डेली चार्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमको देखने में मिला 343-344 के ऊपर कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जो अभी पिछले तीन कैंडल्स देखेंगे, आज का दिन, कल का, परसों का, अगर आप देखेंगे तीन ट्रेडिंग सेशन का, तो हम इसको कहते हैं स्टिक सैंडविच पैटर्न। तो इसका होता है कि आज का कैंडल क्लोज है, आज का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप कल बाय कीजिए तो आपका सेफ्टी कुशन ज्यादा हो जाएगा। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 345 होंगे और आप यहाँ पे 400 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो आइडियली मुझे कहा जाए तो मैं आज की क्लोजिंग का वेट करूंगा और कल जो है जो प्राइसेज है वो आज के हाई को पार करते हैं तो उसको बाय कीजिए, वो एक सही रणनीति होगी इसको प्ले करने की। ओके डन। खैर, इस बीच मार्केट को अगर आप देख रहे होंगे तो आप एक रेंज में ट्रेड होता देख रहे होंगे। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब ये 17,900 के ऊपर था, अब हम वापस से 17,900 के जस्ट नीचे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डेज लो पे आ गए हैं। इसी कार्यक्रम में एक छोटा सा पुल बैक बना था बट वो गुम हो गया। एक बड़ा शेयर और है जो कि मार्केट को ऊपर अब नहीं आने दे रहा, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज। संतोष, जब से इसने 2500 खोया है ये शेयर थोड़ा दब गया है और अभी थोड़ा और नीचे पे नीचे जा रहा है। यह आज मार्केट का टॉप लूजर भी है और वेटेज के हिसाब से गिर भी रहा है। लेकिन मेरे पास एक ट्रिगर है इसके लिए, वो ये है कि इसके इसी हफ्ते आने नंबर्स। अगर ये शेयर नंबर से पहले थोड़ा खाली हो रहा है और अगर नंबर्स थोड़े भी ठीक आ गए तो बहुत ज़ोर से चलेगा। कोई आसपास का सपोर्ट बता दो ताकि हम इसमें पोजीशन ले लें थोड़ी बहुत, अगर लेनी है तो। यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो जो FIIs की सेलिंग हो रही है उसका एक मेजर पार्ट रिलायंस इंडस्ट्री में भी हो रहा है, इस वजह से अंडर प्रेशर है। लेकिन 2425 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज आप देखें तो एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी करीबन 1 बजे के आसपास, वहाँ पर इसने एग्जैक्ट 2425 के आसपास लो बनाया है और वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। तो अगर 2425 का लेवल होल्ड कर गया तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और इन केस किसी वजह से 2425 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 2370-75 के आसपास रहेगा, वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। बट करेंट लेवल पर भी कुछ पोजिशन
यहाँ पर एकुमुलेट की जा सकती है ऊपर में। हालांकि इसको फिर से 2500 का लेवल रीगेन करना पड़ेगा अगर अच्छी तेजी दिखानी है तो। यानी कि आप कंडीशन के साथ बता रहे हैं इसके बारे में बात। संतोष फिर एक काम और करो, बाटा इंडिया ये कंज्यूमर्स का फैंसी शेयर्स है, अमूमन जब भी नीचे जाता है तो हम भी बात करते हैं कि अच्छे शेयर्स को प्लस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छा शेयर है, लेकिन इस बार जो इसने डैमेज किया है ना सर वो थोड़ा ज़्यादा है। ये 1620 वाले लेवल को ब्रेक करके अभी 1570 आ रहा है, इसमें एवरेज ना करें, इसमें जल्दी जल्दी अभी खरीदारी ना करें क्योंकि और नीचे जा सकता है शेयर। आपकी राय क्या है इस पर? डिम्पी अभी आप एक पैटर्न देखो तो जो भी मेजर जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो बहुत जो पहले प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, जो सबके फेवरेट हुआ करते थे, एफआईएस के फेवरेट हुआ करते थे, वैल्यूएशन महंगे थे, अब वहीं एक बड़ा डैमेज देखने को मिल रहा है और बाटा इंडिया उसमें से एक है। हालांकि 1550 एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कन्फर्मेशन का कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तभी ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर 1550 का लेवल ब्रेक हुआ तो शायद फिर और पेन देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो मेरे हिसाब से इसमें वेट कीजिए, थोड़ा सा 1600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है किसी दिन तो फिर एक उम्मीद बनेगी कि शायद स्टॉक में रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये थी राय आपके लिए बाटा इंडिया पे। पर गौरव एक बार आपसे ऑटो स्टॉक्स पे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए मारुति सुजुकी पे राय ली थी मैंने कि बाय के लिए यहाँ पे कुछ आपको कॉल्स दिख रहे हैं या नहीं, पर निफ्टी ऑटो और साथ ही कई सारी अन्य ऑटो कंपनीज चाहे वो टू व्हीलर से हो या पैसेंजर व्हीकल स्पेस से हो ऊपरी स्तरों से काफ़ी वीकनेसें दिखा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, ये जो 2022 के लीडर्स थे साल की शुरुआत से लेकर अब तक इनमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। क्या यहाँ पे और वीकनेस आगे चल के गहरा सकती है या फिर यहाँ पे जो सेलिंग है वो अब थोड़ी सी थमती भी नजर आनी चाहिए? सिलेक्टिवली आपके स्टॉक्स पर आ सकते हैं बट पूरे इंडेक्स में करेक्शन है ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे 8 10 मैंने कहा 8